सालों से चल रही, 1.5-2 साल हो गए थे इसको कास्टिंग करते करते। तो कई बार मैं शॉर्टलिस्ट होता था, फिर वो नहीं हो पाता था, फिर दूसरा उसमें, मतलब ऐसा करके चला। तो मेरा भी उसमें लिखा हुआ है कि एक्टर विकास शुक्ला जिस कास्टेड बिफोर, टू डेज बिफोर यस। आपका सबसे अच्छा कि आस पड़ोस का जो माहौल होता है ना, वो मतलब आपको मतलब बोलना सिखा देता है। तो वहाँ भी मेरे आस पड़ोस में मुझे टोकने लग गए, क्या मतलब शादी को शादी बोल रहे हो, कुछ ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरी टोकना शुरू किया। मैंने कहा ऐसा होता है क्या, मतलब ऐसा ऐसा बोला जाता है क्या, हाँ ये इस तरह से जबान बोली जाती है। एज एन एक्टर मतलब कठिन है ये, मतलब कठिन क्या है कि अब जैसे आप देखिए, अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, सबसे पहली बात कि एक सर्वाइवल का मुद्दा बहुत बड़ा आता है। 3,000 रुपये मैंने यहाँ से किसी दोस्त से लिए, वो 8,000 रुपये की साइकिल लाए, ठीक है तो, और उसी साइकिल को लेके फिर मैं अगले दिन से मैंने स्विगी में डिलीवरी करना शुरू कर दिया। मुझे कोई काम किसी के रिकमेंडेशन से नहीं मिला, या कहीं भी किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया, ऐसा नहीं होता। वो एक प्रोसेस है यहाँ पे। तो कहीं ऐसा है कि मतलब काम बहुत कम है, या लोग ज्यादा हैं, या क्या है मतलब? ये एक्चुअली डिबेटेबल है। एक छोटे से शहर से मुंबई शहर आना और एक्टर बनने का एक मुश्किल प्रयास करना, ग्राउंड लेवल पे ये लड़ाई कितनी मुश्किल होती है, क्या होती है, चलिए हम ये जानते हैं एक एक्टर से जिनका नाम विकास शुक्ला है। विकास एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, आपने उनको अमेजॉन प्राइम की जुबली सीरीज में देखा होगा, इनका बेहतरीन काम। तो चलिए मिलते हैं उनसे, बात करते हैं और समझते हैं कि इनकी जर्नी क्या रही। विकास बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने आपका जब काम जुबली में पहली बार देखा, तो उसके पहले मैंने आपका काम नोटिस नहीं किया था। और तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अचानक किसी का काम देखते हो और देखने के बाद आपको लगता है कि मतलब आपको काम इतना ज़्यादा पसंद आता है कि आप सोचते हो कि यार इसने इसके पहले क्या किया है और ये अभी तक क्या कर रहा था। आप उस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं। तो वहाँ से मेरी पहली क्यूरियोसिटी हुई थी कि आपका कमाल का काम देखने के बाद, तो मैं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं, और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट कि आज आपसे बात करने का मौका मिला है। सो मैं पहले जुबली से शुरू करते हैं जी, कि जुबली में नेचुरली आपने कमाल का काम तो किया हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप वहां तक पहुंचे कैसे और क्या एक्सपीरियंस रहा है। हाँ मतलब अभी तक ये जो जुबली है, जो मतलब हर दूसरे के मुँह से मैं सुनता हूँ, क्योंकि मेरा भी उसमें एक पार्ट है जो कि काफ़ी लोगों ने मतलब पसंद किया। मेरे जो फ़ोन कॉल्स आए मेरे अपने लोगों के ही आए कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। हालांकि आप ही लोगों से कनेक्ट हुआ था कि इसके लिए कुछ आगे कर सकते हैं क्या। तो जुबली का क्या सीन था कि पहले इसका नाम स्टारडस्ट था। ओके हाँ, तो कास्टिंग बे में इसकी कास्टिंग चल रही थी, और मतलब सालों से चल रही थी, 1.5-2 साल हो गए थे इसको कास्टिंग करते करते। तो कई बार मैं शॉर्टलिस्ट होता था, फिर वो नहीं हो पाता था, फिर दूसरा उसमें, मतलब ऐसा करके चला। तो एक साल शायद शूट हुआ, फिर बंद हो गया, फिर उसके बाद कोई एक्टर था जो मेरे कैरेक्टर के लिए, असगर के लिए, उसमें मतलब सिलेक्ट हो गया था। अच्छा हाँ, तो और मतलब उनकी क्योंकि वो पीरियड ड्रामा है, तो उसकी जोगी मलंग सर जो हैं उनके यहाँ उनकी वर्कशॉप स्टार्ट हो गई थी। तो कुछ ऐसा हो गया कि उस एक्टर ने मतलब वो चला गया, कुछ से उससे अच्छा कुछ मिल गया। अच्छा, तो वो चला गया। तो कास्टिंग टीम से फिर मतलब उन्हें नहीं मिला, तो फिर जो सेकंड ऑप्शन में जिसे कहते हैं वो मैं था। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि विकास भाई आप जो वहाँ दीपक एक लड़का है, कि आप 15 दिनों के लिए मतलब फ्री हैं क्या? मैंने हाँ, मतलब वो स्टारडस्ट मतलब मैं एक कैरेक्टर जिसके लिए आपने ऑडिशन दिया था, तो उसके लिए, और मतलब शूट शुरू होने से 2 दिन पहले। अच्छा, तो मैं अब एज यूजुअल की काम नहीं था, तो जो भी दिया लिया मैंने, हाँ ठीक है मैं हूँ। तो प्रोडक्शन से आया कि हम ये दे रहे हैं, हमने कहा ठीक। तो आपको आइडिया नहीं था कि इतना कमाल का कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, मुझे कोई नहीं आइडिया था, बस ऑडिशन दिया था कि हाँ एक कैरेक्टर है जो राइटर डायरेक्टर है और इसको मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो और दूसरा ये था कि विक्रमादित्य मोटवानी, आप मतलब सबका प्यार है, सब एक्ट्रेस का, सब उन्हें पसंद करते हैं, मतलब हर कोई चाहता है उनके साथ काम करें।
तो मुझे भी था कि यार मतलब इस डायरेक्टर के साथ काम करने को मिल जाएगा तो मतलब जिंदगी बन जाएगी, मतलब ऐसा ऐसा होता है। हाँ, नेचुरली हम लोग मतलब नहीं मतलब उतना सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम ये काम करेंगे, लेकिन वो कैरेक्टर और रोल जो है बैकबोन था पूरी सीरीज का। मतलब हाँ, वो मतलब यूँ कह लीजिए कि अच्छा मतलब पोर्ट्रे करने को मिला मुझे, और ये था कि सिलेक्शन मेरा हुआ। मतलब कभी कभार ये लगता है कि किसी का जाता जो आपके किस्मत में है वो आपको मिल गया, ऐसा है। तो मुझे वो मिल गया, दो दिन के बाद मैं सेट सीधा सेट पे गया, मतलब कॉस्ट्यूम ट्रायल में बस सेट पे चला गया। मुझे कुछ आइडिया नहीं कि होना क्या है। अच्छा, कोई आइडिया नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं, कोई रीडिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो दो महीना वर्कशॉप्स ऑलरेडी और एक्ट्रेस की हो चुकी थी, तो मैं गया और मैं पहले सीन हुआ मैं अटक गया। वो कुछ लास्ट सीन जो आपको बोला है कि ये लो अपना तुम चेक ले लो। अच्छा, हाँ, ये जोटवानी का चेक है और क्या कहते हैं रॉय साहब तो अभी भी फिल्में बना रहे हैं, तुम अभी स्टार के स्टार हो, जो मदन कुमार को मैं कहता हूँ पार शक्ति जो प्ले। हाँ, वो तो मतलब काफी ऐसा इंटेंस सीन था, तो हाँ। मुझे मैं अटक गया, वो मतलब सीन मेरे से हो ही नहीं रहा था, मतलब पहला सीन ही भाई वो अटक गया। तो मैंने कहा यार ये पहला दिन, मतलब मैं पहली बार इतने बड़े सेट पे आया हूँ, पहली बार ऐसा कोई काम मिला जिसमें मैं अटक गया हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है। हाँ, वो विक्रम सर हैं, पूरा यूनिट खड़ा हुआ है, क्या कहते हैं अपार भी बेचारा आया मेरे पास में, अरे नहीं बाजी हो जाएगा यार करते हैं साथ है। मैं इतना ज़्यादा परेशान किया यार, मुझसे बोले मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो ये सब मेरा चालू था यार, मैंने कहा वो तो 10 मिनट ले लो आप। मैं 10 मिनट के बाद मुझे बोला इतना ज़्यादा वो एकदम विक्रम सर सामने देख के वो वैसे थोड़ा सा क्या कहते हैं शांति मतलब शांत रहते हैं तो वो थोड़ा खतरनाक से दिखते हैं। तो मेरी तो वैसे उड़ी हुई थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली वो मतलब फिर टेक हो गया, मतलब वो अच्छा हुआ। फिर सर ने भी बोला था बहुत अच्छा है, मतलब आप जो कह रहे हैं वो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा। सर ने भी बोला था कि नहीं नहीं अभी तो इसका 2 दिन पहले ही कास्टिंग हुआ है, अच्छा तो ये इतना नहीं हो सकता है। देन फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि चलो थोड़ी सी राहत मिल रही है, फिर मैं वो टेक मतलब हो गया। और क्योंकि कमाल की टीम होती है, जो वो जानते हैं उन्हें क्या चाहिए तो निकलवा लेते हैं आपसे। एज एन एक्टर क्या होता है, हम बहुत सोच लेते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, मतलब वहां जाके पता लगता है कि तुम तो बस एक हिस्सा हो एक पूरे प्रोसेस का। कुछ चीजें निकलवा ली जाती हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाले जाते हैं उसमें, लेकिन क्या होता है एज एन एक्टर हम एफर्ट्स डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी जो ये बात पता चली, मेरी एक बैचमेट है एडिटिंग की, वो जो जिनकी एडिटर हैं तो वो उनको असिस्ट कर रही थी, तो उसने कहा कि क्या कहते हैं अरे मैंने तेरा सीन देखा, वो वैसे उसमें उनको असिस्ट कर रही थी। तो मैंने कहा कि अरे यार बड़ा बुरा सीन हो गया यार, मुझे तो मेरा हालत ही मेरी ख़राब हो गई, ये हो गया। बोले नहीं नहीं वो अच्छा निकल के आ गया, विक्रम सर छोड़ते ही नहीं तुम्हें अगर नहीं अच्छा होता। तो ये चीज़ ना प्राइम वीडियो में जब आप उनका वो जो मिसलेनियस कुछ ऐसा एक आता है जिसमें शूटिंग के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं उसका विवरण वहाँ पे दिया जाता है, उसमें कुछ लिखा जाता है, तो मेरा भी उसमें लिखा हुआ है कि एक्टर विकास शुक्ला जिस कास्टेड बिफोर टू डेज बिफोर यस, तो ऐसा लिखा हुआ है कि एंड द और ये भी उसमें डालते हैं वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग हैपेंड। तो ये मतलब अच्छा लगा था उस पर पढ़ के प्राइम वीडियो पे, बहुत अच्छा। और मेरा भी ये सवाल था, जब मैं वैसे जुबली एज ए पूरे से सीरीज जो देख के मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा एक्टर और डायरेक्टर का, बिकॉज आई वाज सीइंग दैट कि प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर इन एवरी मोमेंट, आई वुड फील दैट कि जैसे आपके मैं अगर आपके सीन्स की बात करूँ तो बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें आप नहीं बोल रहे हैं और वो जो ठहराव है और जो 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 रिएक्शन है और जो चीजें जो डायनेमिक्स जैसे बदल रही हैं वो बहुत खूबसूरती से लिया गया है। तो आई एम श्योर कि आपका और डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन बहुत मतलब बहुत ही मेमोरेबल रहा होगा आपके लिए। हाँ, मतलब कमाल की बात है कि 2 दिन के शूट के बाद फिर लॉकडाउन लग गया अप्रैल में, अच्छा 2021 में, तो सेकेंड लॉकडाउन वो लग गया। और मेरे तो वैसे भी मतलब मैं उड़ा हुआ था कि यार ये मैं क्या सीन दे दिया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मुझे लगा कि मुझे रिप्लेस कर देंगे। अच्छा। मुझे ये लगा कि अब मेरा इसमें होने वाला नहीं है, मैंने इतना ख़राब कर दिया है कि मुझे मैं इसमें रिप्लेस हो जाऊंगा। तो जब मैं लॉकडाउन लग गया तो फिर मैं घर चला गया उस वक्त में। फिर मैं उनके जो एसोसिएट्स थे तो मैं उनको मतलब सर के राइटिंग टीम को मतलब जो भी देख रहे थे उनको मैसेज करता था कि
मतलब मुझे जानना था कि क्या मैं हूँ वहाँ पर, मतलब उस कैरेक्टर में मुझे अभी तक हूँ या मुझे मतलब ऐसा कर दिया मेरे चल रहा, क्योंकि अनश्योरिटी रह रही है क्योंकि इस तरह का काम पहली बार हाथ में आया था बड़ा। देन फाइनली मुझे कुछ दिन बाद उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट भेज दी 30 पेज की, और उसमें हाँ पूरा भेज दिया। तो देन एज एन एक्टर प्रिपरेशन होती है कि फिर मैं उसको कितना तैयार करता हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ बनाया नहीं था। मतलब आपको राहत हो गई होगी कि अब स्क्रिप्ट आ गई है, मतलब आप हो, अब फिर उसके बाद तो और जोश आया होगा। मैं अब ये जुबली करने जा रहा हूँ, मतलब ये अपने आप में, तब तक स्टारडस्ट था, जुबली बाद में आया, क्योंकि अब मैं ये सीरीज कर रहा हूँ। फिर जुलाई में रिज्यूम हुआ, फिर हम लोग सीधा, तब तक आपको पूरा ग्राफ भी पता लग गया होगा। हाँ फिर मुझे लग गया, और फिर मतलब तैयारी ऐसी थी कि वो मतलब ऐसी तैयारी थी कि उसमें फिर पढ़ता गया वो चीज़ें समझ में, फिर ज़्यादा करना नहीं पड़ा क्योंकि को एक्टर से इतना आपको दे देते हैं, तो उसमें क्या चल रहा था कि सबके साथ में, क्योंकि मेरी कोई ऐसी वर्कशॉप्स हुई नहीं थी, जो भी तैयारी मैंने खुद की थी, मतलब जो भी क्या पढ़ना है। और दूसरा ये कि जो विक्रमादित्य सर हैं और जो पूरी टीम थी वो इतने, मतलब कभी कभार तो लगता था कि बिना बोले हम, ऐसा जो आपको फिल्म में लग रहा है कि हम, मैं बिना बोले बहुत सारी चीज़ें हो रही, ऐसा सेट पे भी था कि बिना बोले सबको पता था कि क्या करना है। ये कमाल की बात होती है, एक इतनी गजब की प्रिपरेशन की, जहाँ पे सेट पे इवन अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स जो क्रू है उसको भी समझ में आ रहा था कि मुझे करना क्या है, बिना बोले, बिना ज्यादा शोर मचाए, बिना कुछ इंस्ट्रक्शन ज्यादा दिए। ये एक्टर्स के साथ में नहीं था, ये पूरे क्रू के साथ में था। नहीं, वो मतलब मुझे दिखता है कि जुबली बहुत टफ सीरीज है बनाने के लिए, बहुत टफ है, डिजाइन है, चाहे उसके जैसे चीजों को डिलीवर करना है, और हर चीज इतनी परफेक्ट लग रही है देख के जो है कि बहुत कमाल है। और एज एन एक्टर मतलब कभी कभार होता था कि टेक हो गया, तो मुझे आपको मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे खुद में फील होता था कि मुझे अब दूसरे टेक की जरूरत नहीं है। नाइस, ये चीज थी वहाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ था एज एन एक्टर जो मैं फील कर रहा हूँ कि जब मैं सीन कर रहा था अपार के साथ में, अपार शक्ति, क्या कहते हैं, सिद्धांत, फामिका, ये सभी लोग थे साथ में, तो इनके साथ में करते हुए मतलब जो सीन हो गया तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपना कुछ ऐसा कर दूं कि मैं, नहीं नहीं, वो सीन सबके साथ हो गया और मुझे भी नहीं लगा कि सेकेंड टेक लेना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा लगता ना कि नहीं, अगर ऐसा कर देता या ऐसा हो जाता, वो मतलब मैं चुपचाप आके बैठ जाता था सीन करके, मैंने शायद सेकंड टेक के लिए कभी बोला हो, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं कि मुझे सेकंड टेक चाहिए। अगर मैं, क्योंकि मुझे एक सीन का एक बैलेंस होता है, वो उस बैलेंस में वो चीज़ बैलेंस हो रही है, आपके इमोशंस, आपकी चीज़ें, तो मैं ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, वो चीज़ें फ्लो में जा रही। मतलब कभी ये प्रिपरेशन मतलब वो एक एस्थेटिक लेवल पे चली गई थी। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये सीरीज बना रहा हूँ या फिर मैं, वो एक जुड़े हुए थे तार में सब। तो अब मैं वापस जाना चाहूंगा वहां पे जहां से ये शुरुआत हुई थी, मतलब वो ऐसा कौन सा मोमेंट था, वो ऐसा कौन सा सीट था जहां से आपको लगा कि आपको एक्टिंग करनी है, जहां से शुरुआत हुई होगी इसकी, बचपन में या कभी भी, कहां से हुई? बचपन में तो मतलब मेरे फादर तो आर्मी में थे, मतलब रिटायर्ड हो गए, तो जिसे कहते हैं कि उस टाइम पे तो मिडिल क्लास फैमिली कही जाती है, आज के टाइम पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो गए हैं। तो ऐसा होता है कि अब हम उसमें आ गए कि क्या वो चीज़ें, आप जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो लोगों के आए भी, मतलब अपने अपने हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो फादर मेरे थे उसमें, तो पढ़ाई लिखाई मेरी मतलब कभी गाँव में शिष्य मंदिर थे उसमें हुई थी। अच्छा, कहाँ है आपका गाँव? मैं ये फरखाबाद एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके पास में ही एक गांव है यूपी, हाँ यूपी में। तो रहते हम लोग शाहजहानपुर में, क्योंकि शाहजहानपुर में इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, मतलब ये सब है। तो पापा रिटायर हुए थे, उसके बाद में आते ही मतलब बैंक्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ लग गए थे, क्योंकि आर्मी पर्सनल्स के लिए वहाँ पे जगह होती हैं। तो हम लोग शाहजहानपुर में आ गए। शाहजहानपुर में जब आए, जब हम लोग 8th 9th में थे 9th में, उससे पहले गाँव में पढ़ाई लिखाई हुई थी, फिर पापा के साथ में जो भी क्लासेस हैं यहाँ वहाँ पढ़ते लिखते रहे। तो उस तक, तब तक तो कुछ पता ही नहीं था, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ ये था कि पढ़ने में उतना अच्छे रहे नहीं कभी भी, मतलब मार तोड़ के पढ़ते थे, मतलब फेल हो रहे हैं, मतलब चौथे में कौन फेल होता है, मैं हुआ। इट्स लाइक दैट कि 9th में फेल हो गया, 11th में फेल हो गया, मतलब ऐसा करके 3-3 बार फेल हुआ स्कूलिंग, स्कूल टाइम में। हाँ तो
और पापा थे, मतलब वो ऐसा था उनके लिए कि भाई ये करना क्या चाहते हो तुम, ये बताओ पहले। तो मैं अच्छा कभी कभी तो मुझे भी खुद को समझ में नहीं आता था कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा डिलेमा चल रहा है। हाँ, मतलब बस यंग एज में कहाँ उतना किसी को पता होता है क्या करना। नहीं भाई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। मतलब ये समझ में आ रहा था कि कभी आ जाता था, कभी चलो एनडी की तैयारी कर लेते हैं, सीडीएस की तैयारी कर लेते हैं, कभी एक बार आया, एक बार भूचाल आया कि चलो डॉक्टर बन जाते हैं। अरे ये सब चल रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ से आप सुनते हैं, बैठते हैं, आस पड़ोस यहाँ देखते हैं, तो आपके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है। तब तक एक्टिंग का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा शक्ल सूरत थे उस टाइम भी, मतलब ये थे कि लोग बता देते अरे तो हीरो बन जा, ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने बोल दिया, ऐसा कुछ है। खैर तब तक तो मतलब कोई आइडिया नहीं था। ट्वेल्थ ट्वेल्थ किया मैंने, फिर मैंने मन नहीं लग रहा था क्योंकि कई बार फेल हो चुका था तो उसी शहर में, तो मुझे मतलब ये ठान लिया था कि नहीं यार मैं यहाँ पे तो नहीं रहूँगा, इतना ज़्यादा हो गया है। तो फिर मैं पापा से कहा कि मुझे दिल्ली जाना है, मैं जो अपनी ग्रेजुएशन है वो मैं दिल्ली में करूँगा। तो मैं दिल्ली में, मेरे मुझे याद है कि हम शायद बस से गए थे, बस या ट्रेन से, एक बैग था मेरे पास में और वहाँ पे एक जामिया नगर पड़ता है, वहीं मेरे कुछ दोस्त रह रहे थे तो उनका छोटा सा रूम था। तो पापा गए, मतलब वो उतना गए कि उन्होंने मुझे बैग दिया, बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब बैग लिए खड़ा हूँ। फिर मैं कहा था मैं कुछ कर लूँगा, बोले देख लो जाके जो तुम्हें करना है, जो पैसा वैसा रहेगा मतलब अगर चीज़ें हुई तो मैं भेजता रहूँगा, लेकिन देख लेना अपना कैसे तुम करते हो ये सब। तो मैं मतलब वो भी अनश्योर थे कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये हालात थे मेरे साथ में। फिर मैं गया और ये था कि चलो ठीक है, फिर मैंने कहा चलो मैं ग्रेजुएशन तो कर ही लूँ कम से कम, ये ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं ना कहीं तो मुझे कोई जॉब या कुछ ऐसा कहीं कुछ लग जाऊंगा, मतलब इससे हो सकता है ना जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा। ये है मतलब तब तक एक्टिंग के बारे में कभी मैं सीरियसली कुछ नहीं पता था। तो हम मैं इसी धुन से मैंने फिर जामिया में एडमिशन ले लिया था, एंट्रेंस हुआ, चलो ठीक है जामिया में चला गया मैं, ग्रेजुएशन किया वहाँ से ज्योग्राफी ऑनर्स में। हाँ, जामिया से एक चीज़ कमाल की मिली है कि आज जो कुछ मुझे, मतलब क्योंकि गांव से आ रहा था तो मेरी ज़बान बड़ी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि अवधि में था मैं, अवधि बोलता था। अच्छा, हाँ, जइयो खइयो पियो, यहाँ जा रहे हो, वन जा रहे हो, शादी में चलिए का एक नहीं। अच्छा। हाँ, ये सब बातें मम्मी के साथ होती थी, लल्ला अरे हम ना ही चाहिए हुए का है जो है वो है, ये सब अवधि में वहाँ बोलते थे। आपका सबसे अच्छा कि आस पड़ोस का जो माहौल होता है ना, वो मतलब आपको मतलब बोलना सिखा देता है। तो वहाँ भी मेरे आस पड़ोस मुझे टोकने लग गए, क्या तुम मतलब शादी को शादी बोल रहे हो, कुछ ऐसा करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरी टोकना शुरू किया। मैंने कहा ऐसा होता है क्या, मतलब ऐसा ऐसा बोला जाता है क्या, हाँ ये इस तरह से जबान बोली जाती है ये है। तो वो ऐसा शुरू हुआ था कि मैं वहाँ पे एक थिएटर ग्रुप चलता था इप्टा, जामी इप्टा के नाम से, तो मैं उसमें जाने लग गया। तो मुझे लगा हाँ यार ये तो मतलब अभी तक तो मैं ये सब मतलब एक तरह से गलत ही बोल रहा था कि ऐसा होता है वैसा, तो मुझे वहाँ पर मतलब लोग हंसने भी लग रहे थे कैसे कैसे बोल रहे हैं तो मुझे नहीं पता है कि यार ऐसे बोला जाता है। लेकिन ये था कि वहाँ बोलते 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 जो आजकल कहते हैं कि यार आपका डिक्शन अच्छा होना चाहिए, आपकी ज़बान अच्छी होनी चाहिए, मैं सारा क्रेडिट वहाँ का देता हूँ कि वहाँ से मैंने मतलब वो जो बोलचाल है, जो ज़बान है, डिक्शन है, फिर वहाँ से आपने थिएटर शुरू किया। हाँ, वहाँ से मतलब जो कॉलेज टाइम में जो थिएटर रहता था वो स्टार्ट कर दिया, स्ट्रीट प्लेस करना, क्योंकि दिल्ली में कल्चर भी है थिएटर का, आप स्ट्रीट प्लेस करते हो, जाते हो, मतलब ऐसा कुछ करने को मिलता है स्कूल मतलब कॉलेज टाइम में। और वहीं पे शायद वो टाइम होगा जब आपने डिसाइड किया। हाँ, वो अब मुझे एग्जैक्टली हाँ, तो क्या हुआ कि मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा था, मतलब इन सेंस ऑफ मैच्योरिटी की आप समझ पा रहे हो कि अब क्या कर लेना है, मतलब ये आ गया है तो चलो ठीक है। मम्मी वहाँ प्लेस हुए तो मम्मी डैडी को बुला लिया कि चलो आप कम से कम देख लो आके कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो उनसे थोड़ा सा उन्हें मैंने रूबरू कराया कि देखो ये भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्हें थोड़ा लगा कि हाँ चलो कम से कम कोई एक लाइन में तो ये कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, तो उनके साथ में ये था कि चलो कुछ तो कुछ कहीं कुछ जीवन में घटित हो रहा है। तो
वो खुश हो गया, चला मुझे भी थोड़ा सा क्या है कि उस चीज़ को मैंने फिर थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया, ये कि जानना शुरू कर दिया कहाँ क्या होता है कैसे होता है। फिर दिल्ली में जितना करना था, ग्रेजुएशन मेरी हो गई थी 2009 में, फिर मैं 2009 आई थिंक जून में कुछ साथी लोग थे साथ में, बोला चलो अब एक ही डेस्टिनेशन होता है मुंबई, चलो मुंबई चलना है, मुंबई चलना है। तो मुंबई आ गए इधर, आते ही मतलब कहीं रुके रुकाए कहीं पे, लेकिन लोगों ने बड़ी मदद की थी हमारी मुंबई में आते। कुछ एक नाम है मेरे, यहीं रहते हैं अंधेरी में, मतलब कमाल के लोग थे जिन्होंने इनके रुके थे आके। तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, क्या कहते हैं, हम कुछ आइडिया नहीं था कि जाना कहाँ है, मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी ने बताया ऐसा है वैसा है, यहाँ जहाँ जहाँ से जो पता लगा जो जो, हाँ टीवी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है लोगों से पूछ लिया। तो टीवी में थोड़ा सा, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊँ कि फिर मैंने आते देखा कि चलो यार एक काम करते हैं, यहाँ भी कुछ पढ़ लेते हैं, मतलब मास्टर्स करने के लिए। अच्छा। मुंबई यूनिवर्सिटी मैंने फॉर्म डाल दिया था, मतलब वैसा डिस्टेंस वाला कि कम से कम कुछ कर लूँगा। लेकिन कमाल की बात हुई कि मेरा वो ऐसा कुछ लिटरेचर या फिर ऐसा कुछ साहित्य, मतलब पढ़ाई पढ़ने जैसा कुछ मन नहीं किया डिग्री जैसा लेने का। अब मन लगता था कि थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव कुछ हो जाए, जहाँ पे मैं कुछ ऐसा काम कर सकूँ जिसकी इस चीज़ की कुछ पढ़ाई हो जाए। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो फॉर्म वहाँ पे भरा, हिंदी ऑनर्स करने वाला था, मैंने कुछ आसान सा सब्जेक्ट ले लूँगा, लेकिन हिंदी ऑनर्स बहुत कठिन है मुझे बाद में पता लगा तो हिंदी ऑनर्स मतलब ले लिया, और हिंदी को हल्के में ले लिया। हाँ, मैंने हल्के में आया, ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने वो किताबें देखी, मैंने कहा नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा मैंने कहा मतलब वो 5,000 रुपये मैंने भरे थे वो छोड़ ही दिए फिर मैंने। फिर धीरे धीरे पता लगा चलो किसी इंस्टीट्यूट में जाया जाए ये। तो हाँ, ये अंदाज़ा तब तक हो गया था कि सीख लेता हूँ, थोड़ा समझ लेता हूँ, क्योंकि ये वक्त अभी और सीखना है, मतलब हाँ मतलब ये पढ़ना है तो अगर हम एक्टिंग ही पढ़ते तो ये थोड़ा सा मतलब इस चीज़ में जाना जाता हूँ। हाँ। और दूसरा ये भी एक सोच रखा था कि चलो ये नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे जाके कम से कम ये तो फायदा होगा, एक राह मिल जाएगी, लोगों से बातचीत हो जाएगी, NSDI या FTI, हाँ कोई भी इंस्टीट्यूट, तो ऐसा था कम से कम एक राह तो मिल जाएगी, कुछ लोग जान जाएंगे, इसके सारे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे मुझे कौन जानेगा इधर कहाँ जाऊंगा, ये ख्याल आ गया था तब तक। तो आप FTI गए? हाँ, मैं फिर फिल्म स्कूल गया वहाँ पे। हाँ, तैयारी करनी पड़ी, मुझे पता था कि मैंने कि इसकी तैयारी बहुत करनी पड़ती है, सीट्स हैं, तो एक युद्ध स्तर पे जाके तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा। हाँ, कि मुझे जाना ही है, मतलब ऐसा था। उससे पहले हालांकि मैंने वो क्या कहते हैं टीवी सीरियल्स में CID, सूर्य द सुपर कॉप, और क्या कहते हैं ये माता की चौकी, इसमें कभी शंकर बन गया, किसी में कुछ बन गया, तो महादेव किसी में बन गया था। तो अब घर वालों को थोड़ा बहुत ये दिखने लग गया एपिसोड, ये सब बहुत उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि चलो आप शिव बन गए, बहुत अच्छा लग रहा, मम्मी बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन आपको खुद को पता होता है कि यार ये मतलब ऐसा कुछ है नहीं। एज एन एक्टर आपको अच्छा नहीं लगा? एज एन एक्टर दूसरा ये कि मतलब ये ठीक है, उससे कुछ आपका कहीं जाने वाला नहीं है, वो कुछ समय के लिए हाँ। आप खुश कर देते हो, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, ये नहीं करना चाहता हूँ मैं ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, चलो ठीक है कि माँ बाप को कम से कम कुछ ये पता लगना चाहिए कि बम्बई जाके कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो शुरू कर दिया, ये चीज़ें शुरू हो गई। फिर मैं फिल्म स्कूल चला गया 2010 में, एडमिशन मेरा हो गया था, थोड़ा 7-8 महीना लेट हो गया क्योंकि हॉस्टल्स नहीं थे। फिर 11-12-13 में इंस्टीट्यूट में ही रहा। तो FTI का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी पूरे? आज मैं जो आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ, और आपने जो मुझे बुलाया है यहाँ पर, वो FTI की वजह? नहीं, इट्स नॉट अबाउट द, मतलब मुझे जो समझ आई है, आप मुझे जो हाँ। पहचान पा रहे हैं, मतलब जो मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं पूरा क्रेडिट उसी संस्था को देना चाहता हूँ। वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैं इंस्टीट्यूट में शायद मुझे लगा था मैं एक्टिंग ही सीखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता लगा एक्टिंग तो एक पार्ट है, आप पूरा एक प्रोसेस सीखते हो, पूरा प्रोसेस सीखते हो फिल्म मेकिंग का। तो मैं मेन थिएटर में बैठा था और मैं फिल्म देख रहा था बाइसिकल थीव्स। फिल्म में क्या होता है, हमको बताया जाता है कि फिल्म में, मतलब मेरा फिल्म देखने का था कि आपकी इसको फिल्म को जज नहीं करना है, फिल्म के बारे में ऐसा कुछ भी आपको कमेंट्स पास नहीं करने हैं, कुछ ऐसा
क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है। वो फिल्म मैंने देखी, शायद 2.5-3 घंटे की फिल्म है, एंड आई वॉज क्राइंग। अच्छा, मैं रो रहा था। मैं बाहर निकल के आया, वो फिल्म आप भी देखिएगा अभी मिले तो। मैंने डैडी को कॉल किया, उन्होंने कहा कि मतलब मैं आपके पैर छूता हूँ कि आपने मुझे इस जगह भेजा। मतलब इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो कहानी ही एक बेटे की और एक बाप की है। मैंने प्रोमोस देखे हैं लेकिन फिल्म मुझे कहीं मिली नहीं। वो एक कहानी ही एक मतलब एक बाप और बेटे की है, जो कि अपनी साइकिल ढूंढते हैं, और उनकी साइकिल मतलब कैसे ली होती है उन्हें पता, और वो जब जाती है तो उनके दिल उनके जीवन पे क्या होता है उनके साथ में। वो इतनी कमाल की फिल्म है कि आपको मतलब तन मन आपका मतलब ऐसा हो जाएगा देख के। मैं बाहर निकला, मैंने मतलब मैं आपके मतलब मेरे पास शब्द नहीं, आई वॉज लाइक बहुत रो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो है एक तरीके से दुनिया बदल गई थी, क्योंकि आप जहां से आते हैं आपको वैसा एक्सपोजर नहीं मिला था, और एफटीआई में आपको वो सारा एक्सपोजर मिलने लगा। और दूसरा ये कि क्या था रहा कि मैं घोड़े की तरह ना मैंने वो बना लिया था अपना, जो होता ना कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जब वो सामने देखना है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे उसके अलावा शायद कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो ऐसा वक्त था कि जब मैं केवल मतलब 100% मैं अभिनय में ही था, मतलब उस प्रोसेस में ही था, फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में था। ये सीखना है, ये करना है, मैं बम्बई के बारे में सोच भी नहीं रहा था। इतना अपने आप को इन्हें फोकस कर दिया था 2.5-3 साल कि मुझे बॉम्बे के बारे में नहीं सोचना है। और मैं शायद ही बॉम्बे आया हूँ उन 3 सालों में, 2.5-3 सालों में, क्योंकि मैं 2.5-3 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 2 साल का कोर्स ऑन पेपर रहता है, लेकिन वो 2.5 डिप्लोमा बनता है तो 2.5-3 लग जाते हैं। तो वो एक स्पेस था जहाँ पे मैं इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको इतने समय में कि क्या हुआ है, लेकिन आप ये बात कह सकते हैं वहाँ पे आपको इमोशनली, टेक्निकली, आर्टिस्टिकली, मतलब एस्थेटिकली आपको ना मतलब कितने डुबो डुबो के फिर डाला जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर डुबो के डाल दिया जाता है। मतलब आपकी तैयारी जो होती है वो इस लेवल पे होती है। आप मतलब फ्री बर्ड होते हैं, आप चूज करिए करना क्या है, आप चीज़ें कैसे क्या करना है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट वो एक प्लैनेट एक अलग है वहाँ पे। वो मतलब आप अद्भुत है, वो दुनिया एक अद्भुत दुनिया है। तो वो एक कमाल का है, मतलब मैं इतना कहूँगा कि वो महसूस किया जा सकता है, उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ मैं। जब मैं वहाँ से निकला था, एक चीज़ और मैंने मतलब ये चीज़ बहुत चीज़ सिखाती है वहाँ की, कभी भी उस चीज़ का मतलब हैम्परिंग नहीं, मतलब सर पे चढ़ा के नहीं लाना है। मतलब ये संस्था भी कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली आपको सिखाती है कि संस्था आपको केवल मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो केवल आपको एक अब कितना एक तैयार कर, हाँ, नर्चर कर रहा है, आपको बना रहा है, लेकिन उसका मतलब वो जो उसका जो ऑरा है उसको सर पे मतलब मतलब ऐसा नहीं चढ़ा के आना है कि मैं एफटीआई कि मैं ऐसा हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा तो कुछ हो, मेरे को तो ऐसे आएगा, तो क्योंकि फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं वहाँ पे। अगर ये बात अगर आप कह रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपने वहाँ पर क्या किया है। अगर ये सवाल आपके अंदर, ये अगर आपको कहीं दूसरे इंसान को भी अगर उससे महसूस होता है तो अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे रियलिटी पता थी, ये है, ये है, जो सीखना है वो सीखना है, जो वहाँ पे है वो है, ये क्राफ्ट है। मैं एक बात कहूँगा, क्राफ्ट है, आपको सीखनी पड़ेगी। आज भी मैं उस क्राफ्ट को या जो मैंने सीखा उसको कहीं ना कहीं मैं रोज़ रिवीजन होता है उसका मेरे अंदर। क्योंकि बात तो सही है नसीर साहब की कि ये एक्टिंग जो है ना, ये है क्राफ्ट है, मतलब सब इसके सामने, मतलब आप चाहे कितनी भी दलीलें दे लो, अगर मतलब नहीं सीखेंगे या चीज़ें नहीं पता हैं तो मुश्किल हो जाता है। मैं आज जब इतना हम लोग ये सब कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये किया, आज भी मतलब आपको काम के लिए तरसना पड़ता है कि काम आए तो मैं मतलब अगर मैं जुबली के बाद की बात करूं कि मेरे पास अगले काम की इतनी छटपटाहट है कि पता नहीं कब आएगा जुबली के बाद भी। हाँ, अब आप सोचिए कि ये जो
कला जो है ना वो आपको इतना संयम भी देती है, एक केवल क्राफ्टिंग ही सिखाती है कि आप केवल क्राफ्ट हैं, आपने कुछ ऐसा कर लिया, आपको पता नहीं कुछ तो अंदर ऐसा दे देती है कि लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि जैसे आपने ये बात कही कि जब आपने जुबली देखा होगा, बड़ी सीरीज थी, बड़ा काम था, बहुत अच्छा काम था, और मुझे पता है कि बहुत आपके पास फोन आए होंगे, बहुत तारीफें मिली होंगी, और आपको तो जब ऐसा होता है तो मैं लग जाता है कि देखो अब तो हमारा हम जा चुके हैं, अब तो हम आगे निकल चुके हैं, और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी आपको छटपटाहट है काम, हाँ, मतलब तो ये एक अजीब सा मतलब कुछ ना कुछ तो तोड़ता होगा अंदर से ना, तो ये कैसे डील करते हैं? संयम में समझता, आप संयम की बात कर रहे हैं, बट लेकिन सच्चाई तो ये कि आपने देख लिया कि आप वहां आपने सबको प्रूफ कर दिया है, और आप वो जो काम करना चाहते थे वो आपने किया, कर भी लिया है, उसके बाद फिर से आपको ही जीरो से, मतलब आप 99 तक पहुंच गए, आपने काटा, फिर आप यहीं पे आ गए, आपको फिर से चलना है। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि बार बार ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोसेस है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे लोगों ने तारीफें कर लिया, मतलब बहुत अच्छा काम हो गया, लेकिन ये मुझे हर बार प्रूव करना पड़ेगा, हर बार मुझे वैसे काम के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही दरवाजे वैसे ही खटखटाने पड़ेंगे। मैं आज भी इंतजार कर रहा हूँ अच्छे काम का, जुबली के बाद 1 साल हो गया मेरे पास अच्छा काम नहीं आया, उसके बाद जुबली जैसा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, और मैं कर रहा हूं, मुझे पता है, मुझे अपना काम आता है, मैं कर लूंगा, कोई बताएगा तो मैं सीख लूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता मेरा काम, अगर मेरा काम नहीं आता तो शायद मैंने इतने काम नहीं किए होते। तो जैसे जब आप FTI से आए थे और आज, दोनों में एक होता है कि हमें काम आना, जैसे आपके नाम को काम आता है, दूसरी लड़ाई होती है काम पाना। तो मतलब जैसे कोई अगर आ जाए और आप आज कोई FTI से पास आउट होकर के आए और आज आप यहां तक आ चुके हैं, कितना फर्क है काम पाने की? अब इतना है कि 10 साल हो गए हैं वहां से पास आउट, इतने लोगों को जानते होंगे आप, 10 साल हो चुके हैं, 2.5 साल वहां पे रहे, तो कुल मिला के 12-13 साल हो गए, ठीक है ना। ये जो टाइम गया है, बस इसमें यह है कि मैं 10 साल लोगों को अभी तक यही बता रहा हूं कि मैं एक्टर हूं, मैं लगातार लोगों को बता रहा हूं कि मेरा नाम विकास शुक्ला है, मैं एक एक्टर हूं, मैंने ये काम किया है, और मुझे आप कंसीडर करिए, मुझे अब टेस्ट करिए कहीं, आपको 10 साल बाद भी ये हर बार अभी बताना पड़ रहा है, आप काम कर लिए हैं, आपको कहीं ना कहीं उन्होंने जो जिनको आप कॉल कर रहे हैं वो आपको भी जान रहे हैं, अब मतलब पता नहीं कि यहाँ पर चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि आपको कुछ ऐसे काम आए जो, और सारे काम मुझे ऑडिशन से ही मिले, सारे काम मुझे ऑडिशन से मिले, मुझे कोई काम किसी के रिकमेंडेशन से नहीं मिला, या कहीं भी किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया, ऐसा नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है यहाँ पे एक तो कहीं ऐसा है कि मतलब काम बहुत कम है या लोग ज्यादा हैं या क्या है मतलब? ये एक्चुअली डिबेटेबल है, ये थोड़ा डिबेटेबल है, जिसका काम हो जाता है वो कभी नहीं कहेगा कि काम नहीं है, ठीक है ना, जिसको काम मिल गया है ना वो कभी नहीं कहता कि काम नहीं है। अगर वही चीज मेरे साथ हो जाए, देखो मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि कल अगर मुझे मेरे पास आ गए, जैसे मैंने अभी टाइम दिया है, टाइम से मुझे वो लोग 10 साल से मुझे जान रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, आप यूं कुछ भी कह लीजिए, हाइपोथेटिकली एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एज एन एक्टर आप एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं, उन्हें लगता है एक्टर काम कर लेगा। 10-10 साल तक ये ट्रस्ट डेवलप करना, ये उसके बाद भी थोड़ा सा है, तो कुछ तो मतलब ऐसा होगा कि मतलब एक लॉन्ग पीरियड तो आपका चला गया, हाँ आपका एक लॉन्ग पीरियड, एक लंबा सा वक्त, मतलब एक डेकेड आपने दे दिया, और आप अभी भी आप वहां पे खड़े होकर के आप लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहा, मतलब अभी भी कह ही रहा हूं कि मुझे आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा सा मतलब तो
आप इंसान हैं, मतलब ठीक है आप कितने भी मतलब संयम वाले अभिनेता होंगे अभिनेत्री होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंसान के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ें डील करनी पड़ती हैं, पर्सनल सोशल बहुत सारी चीज़ें, घर पे कुछ हो रहा होता है, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ ऐसा भूचाल आ गए होते हैं जो आपको समेटने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टाइम जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्या है ना आनंद भाई, कि जैसे मैंने समय दे दिया 10 साल दे दिए, 11वां चल रहा है, अंदर बैठता हूँ तो ये लगता कि हो जाएगा। आप क्योंकि बिकॉज क्या हो ना, आप ये नहीं कह सकते यार कि मतलब मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा, मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, मुझे तो मिलना चाहिए, मैं इतना मतलब ये कर चुका हूँ। तो उसमें क्या है ना, इसमें एक चीज़ और आती है कि ये ना एक पूरा फ्रीलांस इंडस्ट्री है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको किसी ने कहा नहीं है कि आप करिए, ठीक है ना, आप अपनी आपकी चॉइस है, आप खुद फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं कहा है कि आप फिल्म्स में आइए, ये कुछ करिए, इस इंडस्ट्री में रहिए। तो यहाँ पर क्या है ना, हम यहाँ पे किसी को भी नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि क्या पे ना मनी मैटर्स, क्योंकि आप काम किस लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए, और यहाँ पे क्या होता है मॉनेटरी इतना ज्यादा मतलब इंडस्ट्री में है ना, पैसा जो इंसान लगा रहा है उसके लिए तो फ्री, वो मतलब वो फ्रीलांसर है ना, वो मतलब उसका जिसका मन रहेगा वो उसको लेगा। हाँ ये अलग बात है कि हमारे अपने जो लोग हैं जो टेक्निकली मतलब एस्थेटिकली जो जो मतलब फिल्म मेकर्स हैं, चाहे वो कास्टिंग में हो, चाहे वो फिल्म बनाने में हो, किसी भी प्रोसेस में हो, वो अपने आसपास जो जो कलाकार हैं या जो भी टैलेंट है, अगर वो उनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है जो पैसा लगा रहा है उसको उसको तो मतलब वो चाहिए, उसको अपने हिसाब के चाहिए। हम लोग उसमें आते हैं कि एक बड़ा सा कुछ सज रहा है तो हम उसमें डेकोरेशन की तरह, मतलब कहीं अगर हमारा कुछ मामला लग गया, चमक गए उस चमकीले जहाज में, हमारा कहीं किसी तरह से चढ़ गए, तो एक जहाज है बड़ा चला जा रहा है, तो वो एक लैडर चढ़ाने वाले लोग भी आपके आसपास मतलब आपके मतलब होने चाहिए आपको आगे रखने के लिए। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं ऐसे देखूं कि अगर आप जैसे कहने कि एक बड़ा जहाज है, ये बड़ा जहाज पता है कि इन लोगों के लिए बना हुआ है, हाँ, लेकिन उसमें दो चार जगह जो है ऐसे भी हैं कि और भी लोग आ सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी है वो बड़े लोगों के बड़े लिए, लोग, एक, हाँ। जिनका लिस्ट में नाम है उनके लिए है, बाकी दो चार लोग हैं उनको भी जगह मिल सकती है। अगर मिल गई और तो वो लोग वहां पे खड़े हैं, अगर मिल गई तो वो उस पार पहुंच जाएंगे, नहीं मिलेगी तो आप वेट तो आप वहां वेट करेंगे, हाँ। लेकिन अगर अगर वही नहीं तो कि अब ये है कि वो लिस्टेड जगह, आप दुआ करिए, फिर आप दुआ फिर आप दुआएं करिए कि दूसरा जहाज आए, उसमें वेट लिस्ट के मन में भी कुछ, ये जहाज नहीं चलते जा रहे हैं, एक आया, और इसकी वजह पता है कि जो जो छोटे जहाज है ना, जो छोटे जहाज हैं वो मतलब उनके लिए जगह नहीं, उनके लिए पोर्ट नहीं है, हाँ, वो exactly, अगर हाँ। अगर आप देखिए कि जैसे FTI में डिप्लोमा फिल्म में बनाना आप लोग बनाते हैं, जी जी, उसके बाद इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग होती है, जब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग होती है तो उसमें कभी भी कोई मोस्टली उसमें कोई बड़ा एक्टर, बड़ा स्टार, बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं आता, इस तरीके के जो नए लोग, जो नए तरीके के, जो फ्रेश ब्लड आकर के एक नए पर्सपेक्टिव से फिल्में बनाते हैं, जी जी, जब वो बनती हैं तो नया ब्लड आता है, वो उस जहाज, वैसा जहाज जो है अगर आए जो है उसके लिए पोर्ट हो, वो प्रॉपर आता अगर वो लेकर के जाए तो फिर वो काफी कुछ हो सकता, लेकिन मतलब वो उसका कल्चर अभी, उसका सिस्टम उसका अभी नहीं है, उसके लिए क्या है कि ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग हिम्मत करके इंतजार करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये थोड़ा सा मतलब कभी कभार आप खुद कंफ्यूज जाते हो कि क्या होना चाहिए, आप खुद थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हो, क्योंकि कई बार आप हाथ नहीं डालना चाहते हैं बहुत जगह आप ऐसा कुछ
मतलब अब नहीं करना चाहते। हाँ, ये जो चल रहा है ठीक है इसमें, क्योंकि आपने, क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा होता तो शायद मुझे भी इसका फायदा मिल जाता। और एज एन एक्टर मतलब कठिन है ये, मतलब कठिन क्या है कि अब जैसे आप देखिए, अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, सबसे पहली बात कि एक सर्वाइवल का मुद्दा बहुत बड़ा होता है मुंबई में। एग्जैक्टली। मैं आज मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा वो कई बार महसूस करता हूँ कि यार 10 साल संभाल के रखा हुआ हूँ क्या, 10 साल अपने आप को मैं, मतलब मैं हूँ यहाँ पर हूँ ना, मतलब ठीक है बहुत लोग नहीं जानते मुझे जहाँ जहाँ काम किया है या जो आगे की उम्मीद है काम करने की, तो मतलब अब ऐसा अंदर लेने लगा कि तकलीफ तो बहुत होती है क्योंकि आप तैयार बैठे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है। आप तैयार बैठे हैं, मैं आज ही, मैं अभी इंस्टाग्राम पे मैंने शायद 2-3 कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेजेस किए कि मैं आपसे लगभग 10 साल हो गए, मैं इतने लॉन्ग पीरियड में आज तक मैं आपसे मिला नहीं हूँ। और अगेन सेम चीज़ मैंने उनको लिखी कि हाय दिस इज़ विकास शुक्ला, आई एम एन एक्टर एंड माई प्रीवियस वर्क वॉज जुबली प्राइम वीडियो सीरीज एंड तो सीन्स जुबली रिलीज आई हैवन डन एनी वर्क। अच्छा आपने लिखा? जी हाँ लिख दिया मैंने उन्हें, प्लीज कंसिडर। अब आप सोचिए अगर आप ये लिख रहे हैं, मतलब मैं आज ही लिखा है 3-4 लोगों को ये, तो कभी कभार तो मतलब ऐसा लगने लगता है कि मतलब कुछ कहने का मन ही नहीं करता है। जैसे मैं आपके पास भी आया तो मैं सोच रहा क्या कहूं, क्योंकि मैं ही एज एन एक्टर, मतलब अगर मैं एक बात करूं कि फिर आप बहुत कुछ अपने आप को समझाना पड़ता है कि ठीक है यार तुम जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए ही कास्टिंग हो रही हो, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि तुम हर जगह फिट होते हो, तुम्हारे लिए जब आएगा तब तुमको कॉल किया जाएगा। मतलब अब अपने आप को समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह तुम्हें लोग कास्ट करें, तो ये अपने आप को बहुत समझाना पड़ता है कि मेरा चेहरा हर जगह फिट नहीं हो रहा, ये मान लो। जब तुम कुछ हो जाओगे, जब तुम्हारा मतलब तुम पॉपअप होने लगोगे या कहीं लोग तुम्हारा नाम लेने लगेंगे, फिर हो सकता है कि जहां तुम फिट नहीं हो रहे वहां भी तुम फिट होते हो, वहां भी तुम मतलब तो चेहरा तुम्हारा जा रहा है। लेकिन तुम्हें अपने आप को समझाना पड़ता है अभी कि अभी तुम शायद नहीं हो, अभी इंतजार करो। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे रह रहे हैं, आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपने मतलब कैसे इस भाग दौड़ वाली जगह पर, इतनी बड़ी जगह पर कैसे अपने आप को तुम रख पा रहे हो, आपसे कोई पूछने नहीं आएगा। जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ पे काम मिलना इतना मुश्किल है, मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है और ये जो हमें, अगर जैसे घर वालों की सपोर्ट की बात हो तो ये सबको पता होता है, ये अनवरत चलने वाला है, पता नहीं कब चीज़ें होने वाली हैं। इस पीरियड में अपने आप को मुंबई से शहर में सस्टेन करना आप कैसे सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि काम तो आपको ऐसे लगातार मिल नहीं रहा है। जैसे मेरे साथ जो हुआ था कि जब मैं आया था तो 1 साल तक तो मेरे पास काम ही नहीं था, मतलब 2014 पूरा काम नहीं था मेरे पास। तो काम पाने की कोशिश की, वो ही कहते हैं ना लेबर वर्क पूरा, मतलब डोर टू डोर, मतलब कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, फिल्म टीवी किस कहीं भी, मतलब हर, मैं वो क्या होता है कि जब हम इंस्टीट्यूट से होते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ का फर्क पड़ जाता है कि आपको 5 मिनट लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हैं लिहाज कर, क्योंकि आप फिल्म स्टूडियो से, तो यही एक फ़ायदा थोड़ा बहुत मिल जाता है। ठीक है, तो जो हमारी बैचमेट्स होती थी वो भी करता था, फिर एक मैंने चूज़ किया था, मैं अपने पर्सनल लेवल पे, मतलब मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे मेरी जर्नी है और मैं यहाँ किसी को जानता नहीं और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इधर, कोई नहीं है, और इतना मतलब मैं किस्मत के लिए बात करूँ, इतना किस्मती नहीं हूँ कि चीज़ें उतनी एकदम हो जाएं
कुछ लोगों को आती ही बहुत सारी चीजें। तो आप हर डोर नॉक कर रहे थे? मैं मतलब आप ही समझो कि दादर से लेके मलाड और एक साल ईच एंड एवरी डे बस पकड़ के जाता था, मतलब पूछ के यहाँ वहां से हर जगह से ऑफिस जा जाके, कहीं कोई ऑफिस है मुझे अपना डाटा देना है वहां पे। और फाइनेंसिस कैसे मैनेज करते थे? यार मैं रहता था, क्योंकि मैं चूज क्या किया था, हमारे घर पे इतनी हालत ही नहीं थी, पिताजी ने हमारे लोन लिया हुआ था पढ़ाई के लिए, जो मैंने FTIA में जो मैंने अच्छा। किया उसके लिए लोन लिया था, तो वो ऑलरेडी लोन का ही बहुत बड़ा ब्याज कर्ज वर्ज बढ़ गया था, तो मेरे पास मतलब मुझे याद है कि पापा 2,500 रुपये देते थे। अच्छा। हाँ, वो 2,500 रुपये आते थे तो मैं यहाँ वहाँ से मान लो कि कब की बात है? ये 2014 की बात, 2014 में 2,500 रुपये? 2,500 रुपये आते, और उसी में आप सर्वाइव करते थे? क्योंकि हम 3-4 लोग रहते थे कमरे में ये अंधेरी में, तो मेरे क्योंकि मुझे अपनी हैसियत पता थी, मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ, मतलब कहाँ से आ रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे मतलब मैं ये सोचता था कौन देखता मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो जाता था बाहर, तो कभी मतलब ऐसा था कि 2,500 में 1,500 रुपये मेरे हिस्से में पड़ते थे किराए देने की, 7-8 उस टाइम पे 7,000 रुपये रूम था ऐसे कुछ। और आप कह रहे हैं कि आपको एक साल कोई काम नहीं मिला था? कोई काम नहीं, तो मतलब मैं आपने मतलब पैसे भी नहीं कमाए होंगे एक साल? बिल्कुल नहीं। और उसी 2,500 रुपये? हाँ हाँ, मिनिमल चीजों में रहा, बहुत मिनिमल। पहला काम मुझे 2015 में मिला था, एक साल बाद। वो एक फ्रेंच फिल्म थी, क्या नाम, लीज का वॉइस करके, वो एक फ्रेंच डायरेक्टर हैं थॉमस बीडी के, उनकी पहली फिल्म आई थी रस्ट एंड बोन, और एक कहते हैं काफ़ी बड़े डायरेक्टर्स रहे थे वो स्क्रीन राइटर, तो नंदिनी श्रीकांत ने कास्टिंग की थी, वो पहला काम था मैं, और पहली बार मतलब मैं फ्लाइट में उदयपुर गया था शूट करने, कभी उससे पहले फ्लाइट में भी नहीं बैठा था, तो उदयपुर गया तो वहाँ पर शूट किया, तो मुझे पता नहीं रहता, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है आपकी पहली फ्लाइट है? हाँ जी मेरा पहला फ्लाइट है ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ कर दिया था तो उन्होंने कहा मैंने हाँ नहीं आपने बिल्कुल सही पहचाना जी, मैं पहली बार जा रहा हूँ उसमें, तो पहला काम था वो कर लिया। अच्छा मैं वो इसलिए बहुत अच्छा लगा था क्योंकि फिल्म स्कूल में क्या होता ना, आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, आप तरह तरह की जॉनर्स की फिल्म देखते हैं, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ अपब्रिंगिंग उस तरह की होती है कि आप वाकई में इनरिच महसूस करते हैं, मतलब अच्छा लगता है। अगर मैं उस फिल्म में काम कर रहा था तो कभी कभी लगता है कि यार मैं इसी के लिए तो तैयार हुआ, वो जो फ्लेवर था ना या जो काम करने का जो एक कल्चर था ना फिल्म का, वो मतलब उसी चीज़ के लिए तैयार, कभी कभी लगता है कि हमारी तैयारी बेसिकली ऐसी ही फिल्म्स के लिए हुई है। पर लेकिन ये तो और मतलब मुझे लगता है और भी तकलीफ देने बात हो सकती है कि आपको आप जाते हो आप कुछ एक कभी आपको एक ऐसा काम मिलता है जो आपको लगता है कि हाँ मुझे तो यही करना है पूरी लाइफ टाइम और इसी के लिए बना हूँ, वो एक्साइटमेंट होता है, फिर वहां से आप आते हैं और आपको लगता है कि आपके पास फिर काम नहीं है, तो बहुत तोड़ना पड़ता है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आपके पास अब मतलब आपको पता नहीं अभी क्या करना है, तो आपने एक बार जी लिया उसको जो आप जीना चाहते हैं और फिर आप जीरो पे आ जाते हैं। मतलब वो जो 2-3 दिन थे वो कमाल के थे, इतने खूबसूरत थे कि यार मैं जिनको देखता हूँ जो मैं पढ़ के आया हूँ, कम से कम मेरे 2-3 सीन थे, मैंने इसी मतलब वहाँ से करने के बाद अगेन यू डाइव सेम थिंग जा रहे हैं आप, वही चीज़ शुरू हो गई, वो करने के बाद ठीक है वो हुआ, फिर अगेन वही चीज़, ऐसा नहीं कोई क्या होता है कि आपको काम मिल रहे हैं आनंद, वो सामने लाने वाले लोग नहीं मिलते, जैसे मान लो अगर मैंने जुबली किया या मैंने फ्लेमेंगो किया या मैंने सेक्रेट गेम्स किया, बार्ड ऑफ ब्लड किया, क्या कहते हैं राजी में था, उमरटा में था, ऐसे करके ना कई सारी सीरीज में रहा, डायरेक्टर्स के साथ अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, अनुराग कश्यप के साथ सेकेंड गेम सीजन 2 में था मैं, उन्होंने मेरी फिल्म सोनी देखी थी नेटफ्लिक्स पर 2019 की, सबसे उन्होंने कमेंट्स किया था वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, तो मैं सेकेंड गेम के एक क्योंकि 2-3 दिन मेरा
6-7 दिन का शूट था, 3-4 दिन मेरा अनुराग कश्यप के साथ में था और बाकी दिन नीरज गेवान के साथ में था। तो मैं सर, एंड सर ने बड़ी तारीफ़ की थी मेरे टेस्ट की, जब मैं उनके पहले दिन शूट पे गया था, बोला तेरा टेस्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुराग कश्यप लाइक एक तरह के भगवान हो जाते हैं आपके लिए कि यार एक्टर, मतलब आप सुनते ही चले आ रहे हैं वही चीज़। तो फिर सेकेंड डे था, हमने कहा सर मेरी फिल्म सोनी है आप देख लीजिए, मेरा उनके साथ लास्ट डे था। बोला हाँ अरे तू, अरे तूने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई यार, मतलब बहुत अच्छा तूने काम किया, ये वो सब हो जाता है। मतलब आप उनको भी समझ में आ रहा है कि एक्टर है काम कर लेगा, अच्छा है ये। हंसल मेहता के साथ उमर्टा किया, मेघना मैम के साथ राजी किया, ये किया डायरेक्टर्स, अभी सासबो फ्लेमेंगो मैंने किया था होमिया जानिया के साथ। पर ये आपको काम मिलने में कन्वर्ट नहीं करता। हाँ यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्या है ना कि वहाँ पे 2-3 सीन हैं, अच्छे अच्छे सीन हैं। अब यूँ कह लो एक बड़ी सुंदर सी घटना है जो आपको थोड़ी राहत दे देती है जेब में पैसा ना हो तब भी। वो मैं घटना आपको बताता हूँ कि राजी में मेरा एक छोटा सा काम था, मैं एक रॉ एजेंट बना था। एक लास्ट वाले सीन में मैं दिख जाऊँगा, जब विक्की कौशल आता है ब्लास्ट होता है तो मैं एक गन से ना कुछ मार रहा होता हूँ, कुछ न्यूट्रलाइजर हो कुछ ऐसा रहता है। तो मुझे नहीं पता, 10 दिन का काम था, किसी ने कहा इतना इतना पैसा मिलेगा, जो भी सर के यहाँ से कास्टिंग हुई थी, मैं चलो ठीक है कश्मीर घूम लेंगे, नए लोग नए तब तक आए थे, चलो कर लेते हैं पैसा मिल जाएगा, और बड़ी फिल्म का हिस्सा भी है, जयदीप अहलावत के साथ में थे। तो मैं तो करके आ गया, वो सब हो गया। 5 साल बाद करेक्ट राजी की जो भी सैम बहादुर आई थी, मुझे कॉल आता है कि मेघना मैम ने आपका नंबर दिया है एक नंदिनी श्रीकांत के यहाँ से, कि वो आपको अपनी फिल्म है इसके लिए टेस्ट करना चाहते हैं, सर 2 ही दिन का काम है। मैं इस बात से मतलब इतने साल बाद याद रखना ये बहुत बड़ी ये बात, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मतलब कौन याद रखता है किसको यार, आप मेघना मैम मुझे याद रख रहे हैं क्या इस लड़के को। मैं इसमें वो सीन, हालांकि उसमें नहीं रखा गया कुछ क्रिएटिव रीजंस की वजह से, और कमाल की बात थी कि मैंने शूट किया उसका पूरा, तो मेघना मैम की टीम ने मुझे ये फ़ोन किया कि सर सॉरी सर, आप वो फिल्म में क्रिएटिव रीजंस की वजह से वो सीन नहीं रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। इन सब परेशानियों के बीच में, इन सब हालातों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है ना तो हिम्मत बहुत बंद जाती है। लेकिन जैसे आप ये बता रहे थे कि आप मतलब ये बहुत रेयर हो जाता है, मतलब हाँ इसे आप कह लो कि बाय लक बाय चांस ऐसा हो जाता है सब, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब उससे मुझे बस इतना ये मिला कि चलो मैम को कम से कम मैं याद हूँ, मतलब ये मेरे लिए बड़ी बात है कि इतने लोग हैं उनमें से मैं भी उन्हें याद हूँ। ये तो अब क्या बोलेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि सब आप थोड़ा सा इसी चीज़ में, जेब में पैसा नहीं होता तो इन्हीं आशाओं पर अपना जीत लेते हो। तो जैसे 10 साल आपको हो गए यहाँ पे, और तो एक तो निश्चित सी बात है कि फैमिली से जो आपको 2500 का सपोर्ट आ रहा था वो बहुत लिमिटेड समय के लिए। बीच में बोल दिया था कुछ समय बाद 2500, मतलब ऐसा था कि इतना मेरे को खुद लगने लगता था कि ये भी पैसा मैं क्यों ले रहा हूँ। तो उनको लगता था कि मैं इंस्टीट्यूट से पास आउट हो गया हूँ, सब कुछ हो गया, तब तो मतलब उन्हें लग रहा था कि कुछ हो जाएगा इसका जाते ही, कहीं ना कहीं इसको लोग ले लेंगे। वो खुद कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि इतना लंबा टाइम लगेगा और लगता ही जा रहा है कि वो कप ऑफ टी नहीं है उनका। तो फिर वो I'm sure अभी आप उसके बाद एक टाइम बाद आप पैसे लेने घर से बंद कर दिया होगा। हाँ वो बीच में ऐसा हो गया कि लेना बंद, अभी तक तो मैं 3-4 साल पहले तो ले ही रहा था थोड़ा बहुत जो भी है, यहाँ वहाँ से उधार भी ले लेता था, किसी से मांग लिए पैसे ऐसा करके कुछ थोड़ा बहुत पैसा आज भी उधार है, अभी भी है, अब उतनी ताकत नहीं दे पाऊँ। तो बीच में क्या हुआ, ऐसे हालात आ गए कि अब कुछ हाँ ये घटना हो रहा है कि यहाँ तक कि नौबत ही आ गई कि चलो कुछ नहीं होगा तो कम से कम डिलीवरी कर लेते हैं। मतलब ऐसा था कि ये स्विगी और जोमेटो क्या कहते हैं, अच्छा हाँ ये इसमें था कि चलो कुछ रोज़ का पैसा आ जाएगा। तो अब स्विगी और जोमेटो में भी अपने आप को मैंने इनरोल किया कि चलो कम से कम कुछ तो रोज़ आ जाएगा, क्योंकि जेब में पैसे नहीं, हालात बड़े ख़राब,
किराया देना है, पैसे नहीं, कुछ नहीं। तो मैं, मुझे लगा कम से कम रोज़ 400-500 रुपये आ जाएंगे, कुछ कुछ घंटे जॉब ये डिलीवरी करूँगा। तो मेरे पास अब ना तो कुछ, अब करूँ तो करूँ कैसे, मेरे पास ना तो कोई मोटरसाइकिल है ना कोई ऐसा कुछ वाहन था। फिर मैंने कहा चलो यार, फिर साइकिल का ऑप्शन था तो मैंने डीकैथलॉन से, वो भी मैंने किसी से पैसे उधार लिए, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये मैंने यहाँ से किसी दोस्त से लिए, वो 8,000 रुपये की मैं साइकिल लाया डीकैथलॉन से। और उसी साइकिल को लेके फिर मैं अगले दिन से मैंने स्विगी में डिलीवरी करना शुरू कर दिया। बुरा नहीं लगा कि आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? लेकिन ज़रूरत थी, ज़रूरत भी थी। दूसरा, मैंने कहा ना आपको कि अपने आप को बहुत स्तर पर समझाना पड़ता है, बहुत स्तर पर समझाना पड़ता है। मतलब आपको सब तरह से अपने आप को ये बताना पड़ता है कि ये भी एक जो चल रहा है उसका एक हिस्सा है। तो मैंने उसको एक हिस्से की तरह ले लिया। और उसके दौरान मुझे, मतलब जो देखने को मिला, जो समझने को मिला, मैं शाम के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक केवल साइकिल चलाता था 7 घंटा। मतलब मैं इतना, मेरा इतना वेट चला गया था, मैं 7 घंटे पसीने से तरबतर हो जाता था। और मैं साइकिलिंग ऐसे करता था, मतलब जाता था सामान देने के लिए, जैसे नहीं वो कोई मोटरसाइकिल चला रहा, क्योंकि इतनी स्पीड से साइकिल चलाता था कि मुझे कितनी जल्दी से जल्दी मैं ऑर्डर पूरे कर लूँ, क्योंकि और ज़्यादा ऑर्डर आ जाए। तो स्विगी वालों को पता लग गया था कि भाई ये कौन बंदा है जो इतनी फटाफट ऑर्डर पूरा कर रहा है। तो हाँ, ये उनको लग रहा था। तो मेरे पास ऑर्डर आना बंद हो गए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ऑर्डर कंप्लीट कर लेता था। यहाँ गए क्योंकि वो रहता है कि मुझे करना है, पूरा पसीने में तरबतर हो जाता था। फिर ऐसे करके मैं 400-500-600 रुपये बना लेता था। तो ऐसे करके कहीं गया हूँ, मतलब वो मैं एक्टिंग को तो भूल ही गया था। मतलब मैं एक तरफ से, मैंने, मुझे ध्यान ही देता था कि मैं एक्टर हूँ, मुझे लगता था मैं डिलीवरी मतलब वाला ही हूँ जो मैं ये करने के लिए आया। फिर मैं ऊपर जाता था, वो कभी कहीं कोई कहता नहीं ऊपर आ जाओ, तो 4-5 मंजिला सामान लेके जा रहा हूँ ऊपर। जुबली के पहले की बात है? हाँ, नहीं नहीं जुबली के बाद की बात है। ये जुबली की बात की बात है। हाँ, माय गॉड, यस, जुबली शूट कर चुका है, उसके बाद की बात है। इतना अच्छा काम करने के बाद, और उसके बाद आपने, आपको जो है स्विगी में डिलीवरी आपने किया, और अभी भी आप जो है काम के लिए आगे, मतलब काम पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक आपको एक लग रहा होगा ना कि बहुत लंबा समय निकल रहा है। हाँ, मतलब जैसे मेरे एक दोस्त, डायरेक्टर दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा था कि 10 साल तो आँख मूंद कर दे दो। मतलब 10 साल दे दो, तो 10 साल तो मतलब 10 साल तो दे दो, 10 साल भूल जाओ। हाँ, मतलब वही वाली बात है कि वो 10 साल आप दे दो। तो मैं उनका ही, मतलब जो सेंटेंस है, मुझे एकदम ध्यान आया कि 10 साल तो दे ही दिए, मतलब वो दे क्या दिए, वो चले ही गए। हाँ, नहीं, लेकिन ये कोई ये तरीका नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक एक्टर ट्रेंड होकर के आता है, वो सीख करके आता है, वो तैयारी करके आता है, उसके बाद उसका 10 साल निकल जाता है, और वो जो 10 साल एक कितने ऐसे कैरेक्टर होंगे जो उसकी लाइफ से निकल जाएंगे, वो नहीं कर पाएगा। हाँ, ये अगर उसको जो है 26 साल के किसी इंसान का रोल करना है, और वो 36 हो गया, 40 पहुंचने वाला है, तो नहीं कर पाएगा। तो ये तो देखिए, बात हमारे पास एक सिस्टम नहीं है, इसलिए हम गलत चीज को सही मान लें, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं प्रोफेशन है ना, सब कहते हैं ना कि हम तैयारी, जैसे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, जैसे आप मेडिकल की तैयारी करते हो, वैसे आप एक्टर बनने की तैयारी करते हो। तो जब हम तैयारी करते हैं, और उसके बाद हमें ये कह दिया नहीं 10 साल तो अभी आप, इतना तो लगने वाला है आपको, क्योंकि सबका लगा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 16 साल लगे, तुम्हारा तो अभी 10 साल। वो आजकल एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तो तुम्हारा तो अभी 10 चल रहा है।
तो एक्चुअल में जरूरत इसी बात की है कि आप जैसे एक्टर जो ट्रेंड हैं, जिनका काम हम लोगों ने देखा भी है, लोगों ने भी देखा है, उन लोगों का एक ऑडियंस बेस होना चाहिए, उन लोगों का काम भी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए और उनका भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम ओपन थिएटर पे ऐसे ही आप जैसे एक्टर्स की हमारी हमें तलाश रहती है कि हम जिनका काम लोगों तक पहुंचा पाए। काम जैसे होता है कि जो आपने काम किया है आपको ये उम्मीद रहती है कि इसी से ही कुछ आगे बनना चाहिए या बन पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो उसी में ही 10 साल निकल जाते हैं। बेसिकली ऐसा ही होता है कि आप काम कर रहे होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं वो नज़र में नहीं आ पाते हैं। देखिए नज़र में आने का, जैसे अगर आपने काम किया आप और आपने एक बड़ी सीरीज जो लोग काम दे रहे हैं, हाँ नहीं लेकिन जो मतलब जैसे कि कास्टिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, ये जो लोग हमें कास्ट कर रहे हैं, कभी कभार तो आप मतलब ऐसा होता है कि हमारा एक तरीका ही है एज एन एक्ट्रेस कि आप जो भी कास्टिंग के जो लोग हैं, कास्टिंग फ्रेटर्निटी है, उन्हीं के ज़रिए ही हमारा एक सीधा रास्ता है। आजकल तो ऑप्शंस बहुत हो गए, लेकिन अब जैसे मेरे जैसा एक्टर है तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो कास्टिंग के लोग इन्हीं के पास काम है, इन्हीं के थ्रू एक चैनल है, इन्हीं के थ्रू हमें आगे जाना है, क्योंकि डायरेक्टली आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। हाँ लेकिन एक्चुअली यहाँ बात है जो आपने वो जहाज़ वाली बात की है कि नए एक्टर्स को काम इसलिए नहीं मिलता है, या फिर जो रिलेटिवली नए एक्टर हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, क्योंकि फिल्में उनके लिए नहीं बनती। हाँ ये सीरीज उनके लिए नहीं सही बनती, बात हाँ। उनके लिए बनती नहीं, बिल्कुल। वो इकोसिस्टम ही नहीं है कि जहाँ पे ऐसे नया ब्लड और नया टैलेंट आ पाए इंडस्ट्री में। वो बनता है ऐसे ही एक सेट ऑफ पीपल के लिए, मतलब कि एक सेट ऑफ ऐसा है कि हम ये पूरा डिसाइड हो जाता है कि हम ये इस तरीके के एक्टर्स आएंगे, ये टीम होगी और ये होने वाला है। उसके बाद जो बच जाए वो हम बाहर से लेकर के आएंगे और उस तरीके से अगर वो अपना काम करना शुरू करेंगे और उसमें से कोई निखर के आगे निकल जाए, बट एक हमें एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जहाँ पे कि नए एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स को एक मौका मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि बहुत बड़ी फिल्में ना हो, इंडिपेंडेंट फिल्में, और इंडिपेंडेंट फिल्में बनाने का जो है कल्चर और भी जो है कम होगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, और दूसरी बात अगर वो बन जाए तो लोगों तक पहुंचती नहीं। अगर वो इस तो इसलिए हमें जो है ना कि हम ओपन थिएटर पे हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके की जो फिल्में हैं, जो अच्छी खूबसूरत फिल्में हैं, जो अगर बन जाती हैं और बनने के बाद लोगों तक नहीं पहुंचती, ऑडियंस तक पहुंच जाएं, आप जो कि इतनी मेहनत कर चुके हैं, इतने ट्रेंड एक्टर हैं, आपने काम सीखा है और आपने काम दिखाया है, आपका भी काम लोगों तक पहुँच जाए। हाँ वो तो मतलब एज एन एक्टर मतलब यही लगेगा कि जितना नया काम हो, जितने नए लोग आए, क्योंकि जो एक तरीका है वो तो वैसा चलते रहना चाहिए, जो जो चल रहा है उसको तो आप एकदम ये नहीं कह सकते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी चाहे हम कास्टिंग के थ्रू जाएं या फिर हमें कोई बोल दे, वो एक है जो चला आ रहा है, वो तो ऑलरेडी सिस्टम है, वो सिस्टम है, वो उसको उसको नहीं छेड़ना है, नहीं वो उसमें हम कुछ बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ हम ये तैयार कर सकते हैं जैसे एज एन एक्टर कल आप कुछ बनाएंगे, आपके फिल्म मेकर समाज दोस्त हैं या कोई वो फिल्म बनाएंगे, तो हम तो जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वही रहती है यार कि जितने नए लोग आएंगे इनको नया काम रहेगा तो मुझे काम मिलेगा। क्योंकि और दूसरा ये कि हो सकता है कि जो मार्केट में वो लोग इतनी जल्दी मेरे पे नहीं दांव खेलेंगे जितनी जल्दी आप खेल लेंगे, क्योंकि आपको मेरा अंदाजा है, आपने मेरा काम देखा, आपने 4 दोस्तों को बता सकते हैं जो काम कर रहे हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, कि यार ये एक्टर ले लो। तो एज एन एक्टर मेरे लिए फिर काम का एक स्कोप बढ़ जाता है, मैं अपना मतलब आप मेरे पर ट्रस्ट करेंगे। जैसे सोनी में था, सोनी एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी, उसमें मतलब मैं गया और उसमें करने के लिए था क्योंकि उन्होंने विश्वास किया मैं कर लूंगा ये। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको एज एन एक्टर ना एक आज़ादी भी मिल जाती है, क्योंकि आप मेरे जानने वाले होते हैं, कहते हैं ये एक्टर यार कर लेगा, यार अच्छा है, मैंने इसका काम देखा है। देन उसमें क्या होता है, उसमें हो सकता है कि जो आप कमर्शियली या जो मार्केट में जो लोग जिस तरह का काम हो रहा है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको एक इतना ही करना है, क्योंकि वहाँ पर वो फिल्म तुम्हारी या सीरीज तुम्हारे लिए बन रही, जैसे आपने बोला वो एक अलग चीज़ों के लिए बन रही है, आप उसका एक हिस्सा है।
तो फिर आपको अपने हिस्से में ही कुछ ना कुछ करते मतलब करना है, आपको ऐसा कुछ लिवरेज या फिर ऐसा कुछ फ्रीडम नहीं मिलेगा उसमें ही, बाद में अगर कुछ ऐसा निकल के आ गया वो मैटर ऑफ कुछ, जैसे आपने जुबली में था, मेरा एक हिस्सा था छोटा सा जुबली में, असगर का एक छोटा सा हिस्सा था, मैंने अपने हिस्से पे ही काम किया, वो सीरीज मेरे लिए नहीं बन रही थी, लेकिन वो एक एक कैरेक्टर या वो एक हिस्सा आपके सामने निकल के आ गया, क्योंकि मैं एक्टर, मुझे मैंने काम किया वो, मतलब वो निकल के आ गया बाहर, तो जैसे वाली बात है कि वो हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर तो वही निकल जाता है, वही ना कि हमारा अभी क्या है कि वही नए टैलेंट्स के लिए क्या है कि अभी सिर्फ आप कोशिश करते रहो, जब तुक्का लग जाए तब आपका है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए कि हम, हमें शुरुआत हम हो सके कि हम ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म, छोटी फिल्म से शुरू कर रहे हैं लोग, जहाँ पे हमारे लोग काम देखें, फिर धीरे धीरे हमारा हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, जैसे कि हर इंडस्ट्री में होता है कि कहीं ना कहीं एक एक रास्ता होता है, हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं, हमारे पास अगर मैं नए एक्टर्स की बात करूँ, नए राइटर्स, नए डायरेक्टर्स की बात करूँ, कि हम कोशिश कर रहे हैं पर पता नहीं कहाँ कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। कभी कभार तो ये सवाल भी आ जाता है अपने अंदर कि क्या मैं जो एफर्ट्स लगा रहा हूँ ये सही दिशा में है, क्या मैं ये मतलब, या तो हाँ क्योंकि पता ही नहीं ना, जब रास्ता काम नहीं हो रहा है, कभी कभी लगता है कि कुछ कुछ कमी तो नहीं रह रही है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये सवाल कितना द्वंद लाता है अंदर कि आप सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी सवाल आता है कुछ ऐसा तो नहीं छूट रहा कि जो नहीं हो रहा हो या जो नहीं कर पा रहा हूं मैं शायद, ऐसा क्या है? वही नहीं, जब आपके पास रास्ता ही नहीं है तो आपको आप सवाल आएगा जो रास्ते हमें बताए गए मैं उन पे चल रहा हूं, आप चल रहे हैं, हमें जो बताया गया इनसे मिल लो, इनसे मिल लो, इनसे बात कर लो, इनसे कर लो, इनको मैसेज कर दो, उनको कर दो, आप मतलब यही तो कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे मिल लेंगे जाके, आप कहेंगे हाँ रिच को कई बार कॉल कर लो, आप डिग्निटी को रख अपना मतलब संभालते हुए दो तीन बार कॉल कर भी लेते हैं, मैसेज भी डाल देते हैं, किसी ने देख लिया समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो वो मैसेज देख के भी कई मतलब ऐसा होता है कि फिर आपको वो हमें बताया जाता है कि हमारा काम है ये सब करना, हमारा काम है, मतलब कभी कभार लगता है ठीक, मैं मानता हूँ काम है मेरा, लेकिन इतना लंबा टाइम खिंच जाता है इस काम में, हाँ मतलब यही लगता है कि मैं 10-11 साल से यही बता रहा हूँ, यही मैसेज, यही कॉल्स, यही सब कुछ आज भी कर रहा हूँ और शायद मैं आगे करता भी रहूँगा क्योंकि मेरा काम है। हाँ क्योंकि जो है मैं जिस जहाँ पे हैं हम उसको हम नकार नहीं सकते, मैं ऐसी कोई हम लोग की शिकायत इसकी वो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कोई की शिकायत है या कुछ ऐसा ऐसे कोई गिला है, नहीं नहीं वो चलता ही ऐसा है, वो ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, हाँ ये अलग बात है, उसी में से ही जैसे कि परिवर्तन या फिर जो आप वहीं पे रह के कुछ चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार इनको भी थोड़ा सांस दे दो, यू नो थोड़ी सी इनके भी इनको भी ऑक्सीजन दे दो हल्की सी ताकि ये भी थोड़ा सा पनप जाए, तो वो तो है मतलब वो हम भी चाहते हैं हमें भी ऑक्सीजन मिल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आपने बहुत दिल खोल के बात की एकदम, और अपनी सारी बातें बताई, और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जैसे असगर अली का काम पहुंचा है वैसे बहुत सारे काम आपके पहुंचे हैं। हाँ मतलब मैं तो चाहता हूँ जो देखने वाले हैं वो हमारा काम देखें, मैं तो एक्टर हूँ मैं तो ये कहूँगा कि आप हमारा काम देखें, क्योंकि जो लोग हैं वो वही तो आगे बढ़ाएंगे हमें, वही बात करेंगे हमारे बारे में, क्योंकि यहाँ तो हमारा कोई है नहीं उस तरह से, हाँ जो है वो खुद ही खुद का ही खुद पर है, ऐसा है आप खुद ही चलते हैं, खुद ही एक जर्नी है वही है, तो मैं तो यही अपील करूँगा काम देखें, अब मेरा निवेदन है कि काम देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ हम जैसे एक्ट्रेस भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी कोने में काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विकास।